हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबको आपके चैनल टेक्निकल सम्मत पर। तो फ्रेंड्स, आज के ये वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पेटीएम पोस्टपेड को लेकर एक दफ़ा फिर। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करना, और फर्स्ट टाइम के लिए हमारे चैनल पर अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेटीएम पोस्टपेड को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है, उनमें से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सवाल पूछे, मैं आपको एक एक करके भी उसका भी आंसर देने वाला हूँ। तो लास्ट तक प्लीज़ वीडियो को देखना, और लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, 30 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। प्लीज़ भाई के लिए 30 लाइक पक्का कर देना। सबसे पहला चीज़, अभी पेटीएम पोस्टपेड का अगर आपका लिमिट भी शो हो रहा है, अब उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, वो होल्ड शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, उसका रीज़न दो हो सकता है। एक तो पेटीएम जो अपना जो रिपेमेंट लेने का जो तरीका है उसको बदलना चाहते हैं, ये पेटीएम ने बोल रहा है कि रिपेमेंट लेने का तरीका, या फिर और भी मर्चेंट ऐड कर रहे हैं हम लोग। लेकिन कुछ लीक्स ये भी आ रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पेटीएम से पूछा है कि आपको जो इतना सारा अमाउंट है, ये जो चीज़ है ये इल्लीगल है, इसमें जांच हो रही है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस महीना पूरा इस महीना उन्होंने होल्ड पे लगा दिया, ठीक है। अभी के लिए कल से नियम आना स्टार्ट हो जा रहा है जुलाई से। लेकिन अगर आप पेटीएम ओपन करने के बाद पोस्टपेड वाला सेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पर सीधी सीधी बताया गया, कम जुलाई महीने पर आओ, उसके बाद आपको सारा चीज़ मिलेगा। तो देखो गाइस, दो चीज़ हो सकते हैं। आज मैंने पूरा दिन इस बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया, और जितना तक मुझे पता चला मैं आपको बताने वाला हूँ, जितना सारा ऑफिशियल लीक्स बताया जा रहा है वो गाइस ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर कोई रेपुटेड वेबसाइट से निकाला जा रहा है, तो उसको भी हम ऐसे फेंक नहीं सकते कि ये झूठ है। तो देखो, सिंपली यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड वाला सेक्शन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी के लिए टिल द टाइम आज का डेट में यहाँ पर जो शो होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट यहाँ पर शो हो जाएगा, और यहाँ पर होल्ड, ठीक है। तो देख सकते हैं, तीन रीज़न उन्होंने बताया कि स्पेंड लिमिट को ज़्यादा किया जाएगा, रिपेमेंट ऑप्शन फ्लेक्सिबल किया जाएगा, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट ऐड किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो मैंने रीज़न बताया वो हाईकोर्ट वाला, ठीक है। तो अभी के लिए क्या होगा, इस कल के डेट से आपको ये फीचर्स मिलेगा कि नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पेटीएम पोस्टपेड वाला फीचर्स, यानी क्योंकि कल से नया महीना स्टार्ट होते जा रहे। तो देखो गाइस, अभी भी पेटीएम का बहुत सारा अमाउंट है जो फंसा हुआ यूज़र्स के साथ, यूज़र्स ने नहीं पेटीएम को वापस कर पाए, तो पेटीएम भी चाहते उसका पैसा वो लोग वापस ले सके। तो उसके लिए गाइस देखो, 90% चांस ये है, 90% मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने मैसेज में भी बात किया, 90% चांस कैसे ये है कि कल के डेट में या फिर एक दो दिन में पेटीएम का जो पोस्टपेड वाला सर्विस है दोबारा रिलॉन्च हो, ठीक है। तो आप अगर इस जगह पर है जहाँ पर आपका पेटीएम का पोस्टपेड आप यूज़ करते हो, मैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये अभी के लिए आपका प्रॉब्लम आपका चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कल के डेट में ये वापस आ सकते हैं। जैसे ही वापस आएगा मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है और इसके साथ साथ मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर दे दूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस, या फिर और भी ज़्यादा कुछ मुझे जानने को मिली या फिर के पेटीएम पोस्टपेड के बारे में, आपको ज़रूर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। अब 90% ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो गाइस, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, डेट और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन देखो, पेटीएम का कोई हेल्पलाइन नंबर भी नहीं है, जहाँ तक मैंने मैसेज किया, मैसेज करके पूछा कि बहुत ये जुलाई महीने में ही वापस आ जाएगा, लेकिन कोई एस्टिमेट डेट भी पेटीएम वालों ने नहीं बताया। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि 1 से 10 तारीख के अंदर ये दोबारा रिलॉन्च हो सके, ठीक है, और आप लोग का जो जितना सारा अमाउंट है वो आपको भी मिल सके और आप उसको यूज़ भी कर सको, ठीक है। तो अभी के लिए टिल द टाइम पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड अपडेट यहीं तक का था। वीडियो के बारे में अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपनी तरफ से वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आप तक धन्यवाद, थैंक यू, बाय।